नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर इटावा से, जेफर यूनिवर्सिटी में रैंकिंग के मामले से जुड़ी हुई है। एमसीआई के दखल के बाद वहां पर एक्शन दिखाई दे रहा है। 7 सीनियर छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एंटी रैगिंग कमेटी भी भंग कर दी गई। छात्रावास में तैनात सभी वार्डन निलंबित कर दिए गए। शाक्य मुनि छात्रावास के सुरक्षा कर्मी भी बर्खास्त कर दिए गए। केस दर्ज होने पर सीनियर छात्रों का विरोध, 150 जूनियर छात्रों का सिर मुड़वाया गया था, लेकिन एमसीआई के दखल के बाद वहां पर एक्शन दिखाई दे रहा है। 7 सीनियर छात्रों पर मामला दर्ज हो गया है। इस बात का विरोध कर रहे हैं सीनियर छात्र। लगातार हमने खबर आपको दिखाई, एंटी रैगिंग कमेटी जो बनी थी यूनिवर्सिटी में वो भी भंग कर दी गई है। जो तैनात वार्डन था हॉस्टल में उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। यह बड़ी खबर सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी से इस वक्त हमारे पास। 7 सीनियर छात्रों पर इसी रैगिंग मामले में, सिर मुड़वाने के मामले में मामला दर्ज। छात्रावास का वार्डन सस्पेंड। सारे वार्डन जो छात्रावास में तैनात थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। सैफई यूनिवर्सिटी के रैगिंग मामले में 7 सीनियर छात्रों पर मामला दर्ज किया गया है। जो सीनियर छात्र हैं वो इस एक्शन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दखल के बाद हुआ है। हमारे संवाददाता इस वक्त इटावा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप इस एक्शन के बारे में बताइए। राजीव जी, आपको बताना चाहूंगा, कल तक इस मामले में सैफई के वाइस चांसलर इस मानने को तैयार ही नहीं थे कि सैफई में रैगिंग हुई है। उन्होंने वो लिस्ट भी दिखाई थी, रिपोर्ट भी दिखाई थी, जिसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने साइन करके दिया था कि हमारी रैगिंग नहीं हुई है। लेकिन जब इटावा जिलाधिकारी ने अपनी शासन को रिपोर्ट भेजी है, उसमें साफ उन्होंने कहा था कि यहाँ लापरवाही हुई, यहाँ कहीं ना कहीं रैगिंग हो रही है। उसके बाद एमसीआई ने भी जब इस मामले में दखलअंदाजी की और उनसे 24 घंटे में कार्रवाई करने को कहा गया, तब जाकर के आज सुबह 7 सीनियर छात्रों के नाम दिए गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है, एंटी रैगिंग टीम को भंग कर दिया गया है। लेकिन वही सीनियर छात्रों का कहना है कि ये वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी गर्दन बचाने के लिए हमारे नाम दे रहा है, हम उनमें हमारा नाम ही नहीं था, ऐसी रैगिंग की कोई बात नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद। तो ये है सारी बात। प्रेशर में आके यहाँ पे एक्शन लिया गया है। 7 सीनियर छात्रों पर मामला दर्ज किया गया है और जो हॉस्टल के वार्डन्स थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। ये सब कुछ एमसीआई के दखल के बाद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दखल के बाद। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।